Hello friends, today I gonna teach you about Java program. And in Java we add two numbers. BlueJ open कर लेता हूँ. मैं अभी command line argument पे नहीं काम कर रहा हूँ. मैं अभी आपको BlueJ पे काम करके बताऊँगा. तो अब हम यहाँ पे new class बनाएंगे, ठीक है? यहाँ पे click किया हमने, तो class का नाम मैं डाल देता हूँ, जो भी class का नाम है, ठीक है? जैसे मैं डालता हूँ add, okay? और यहाँ से करेंगे okay. तो ये देखिए यहाँ पे ऐड आ चुका है. अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे आप तो ये इस तरह से लिखा हुआ आएगा. इसको हम इरेज कर लेते हैं कंट्रोल ए करके, और ये पूरा इरेज कर देते हैं. हमको यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखना है, तो चलिए ये लिखते हैं प्रोग्राम. यहाँ पे हम प्रोग्राम लिख, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्लास बनाएंगे. तो यहाँ लिखता हूं मैं पब्लिक क्लास ओके. और पब्लिक क्लास में एड टू इंटीजर, एड टू इंटीजर, ओके, एड टू इंटीजर. हम इंटीजर का प्रोग्राम बना रहे हैं तो एड टू इंटीजर यहां लिखेंगे हम, ठीक है? और यहां पे कैलिब्रेशंस लगा लेंगे हम. और यहां पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन. वॉइड मीन से तो आप अच्छे तरीके से परिचित होंगे कि ये वॉइड मीन क्या है, ठीक है? अपने प्रोग्राम को बहुत ही ज्यादा रिलायबल बनाने के लिए यहां स्ट्रिंग हम लिखेंगे, ठीक है? string, ठीक है, string. और यहां पे लगाइए स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां पे आर्गुमेंट पास करेंगे हम, ठीक है? और ये हो गया हमारा प्रोग्राम, ओके. सो ये प्रोग्राम हम यूजर से इनपुट नहीं करवा रहे हैं, तो हमको यहां पे वेरिएबल खुद देना होगा. मतलब वेरिएबल तो हम देंगे ही, वैल्यूज भी खुद ही देनी होगी हमें. तो यहां पे इंट टाइप का हम डेटा टाइप लेते हैं, और यहां पे मैं लिखता हूं फर्स्ट, first, first. और यहां फर्स्ट इक्वल टू 10 कर देता हूं मैं, पहले मैं 10. और यहां पे फिर आएंगे नीचे तो सम इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस एस ई सी ओ एन डी, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दिया हमने. और यहां पे करेंगे इसको टर्मिनेट, ओके. इसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पे अब हमको प्रिंट करवाना है, तो यहां पे लिखना होगा प्रिंट करवाने के लिए सिस्टम. सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ लिखते थे, यहां लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन, ओके. इतना लिखने के बाद यहां पे लिखेंगे मैसेज, क्या दिखाई देगा स्क्रीन पे, द एडिशन और सम लिख सकते हैं यहां पे, सम इज, ठीक है? यहां पे कोलन लगा दिया हमने, थोड़ा गैप दे देता हूं, इसको क्लोज. यहां पे सम भी दे देते हैं, क्योंकि हम सम करवा रहे हैं तो सम तो देंगे ही. तो यहां से सम दे दिया हमने, और यहां से टर्मिनेट किया इसको, यहां से क्लोज करेंगे, और ये दोनों ब्रैकेट्स को हम करेंगे क्लोज. हमारा प्रोग्राम बन चुका है, ठीक है? अब इसको कंपाइल करवाने की बारी है, ठीक है? तो यहां पे आइडेंटिफायर में एरर है, तो यहाँ पे कंपाइल हो चुका है हमारा प्रोग्राम. देखिए यहाँ पे आपको स्मॉल में लिखना है पब्लिक, और अब रन करवाने की बारी है. तो आइए इसको रन करवा लेते हैं. ये हमारा प्रोग्राम है, इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहां से करिए आप इसको रन, ठीक है? ये हमने रन करवाया, तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया. और 30 प्लस जो भी हमने लिया था यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा कोड है. ये हमने 30 और 10 लिया हुआ था, तो ये इन दोनों का सम होकर आ गया है. आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि बिना यूजर के हम कैसे इनपुट करवा सकते हैं. ये मेरी पहली वीडियो है जावा की, धीरे धीरे करके और भी वीडियोस मैं डालूंगा. सो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा, कम से कम जावा की शुरुआत करने के लिए. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.